हेलो हेलो अच्छा ये बना दें क्रेडिट रिसीवेबल लाइजर अकाउंट हेलो हेलो का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8450 डेबिट हो जाएगा। इसके बाद है ड्यूरिंग क्रेडिट सेल्स 19600 रिसीवेबल डेबिट। टैक्स रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल्स 22430 क्रेडिट होंगे 430। सेल्स रिटर्न 1000 क्रेडिट। कॉन्ट्रा विथ क्रेडिट सप्लायर 540 ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो बैलेंस करते हैं हम डेबिट का टोटल करेंगे 28050 माइनस करें क्रेडिट साइड 4080 ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है 4080। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। कॉपी कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट 39 239 ये बेसिकली रिसीवेबल अकाउंट बनेगा। रिक्वायरमेंट का हाउ मच कैश वाज रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। अब कैश रिसीव्ड फाइंड करना है। रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे टू थर्टी नाइन। बैलेंस कितना है क्या लगता है? रिसीवेबल्स विच वर 500 ऑन जनवरी 1 जुलाई 1 रोज टू 700 एट द एंड ऑफ जुलाई। ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गए। ओपनिंग बैलेंस है 500 और क्लोजिंग बैलेंस 700। के बाद है ड्यूरिंग द मंथ इश्यूड कैश सेल्स रिसिप्ट ऑफ 280 ये रिकॉर्ड होंगे। कैश सेल्स कंट्रोल और रिसीवेबल में नहीं आती। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है तो रिसीवेबल में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है। इसके बाद है क्रेडिट सेल्स इनवॉइसेस ऑफ 1900 ये डेबिट पे आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स। इसके बाद क्रेडिट नोट्स ऑफ 170 ये सेल्स रिटर्न हो गई 170 क्रेडिट कर। फाइन क्या करना है? हाउ मच कैश वॉज रिसीव डेबिट साइड का टोटल करते हैं 2400। अब इसमें से ये 700 और 170 माइनस करें तो आपके पास कैश आ जाएगा ना। कितना आ रहा डिफरेंस? डिफरेंस 2400 माइनस 700 माइनस 170 1530 ये आपका आंसर हो जाएगा 1530 ऑप्शन बी। क्या अच्छा देखिए ये जो रिसीवेबल पेबल अकाउंट्स बना रहे हैं या कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं उससे नॉर्मली तो वो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए कहते हैं ना, लेकिन कोई भी फिगर आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है जैसे इसमें आपसे कैश रिसीव कॉस्ट में कहीं पे आपसे वो क्रेडिट सेल्स कह सकता है, कहीं पर सेल्स रिटर्न कह सकता है। एक अकाउंट से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है अच्छा अब देखें जैसे 240 है। 240 की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या लिखा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स ऑन क्रेडिट। अब हमें क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है। ठीक ठीक और है यहाँ रिक्वायरमेंट क्या थी? हाउ मच कैश वॉज रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल।
यहाँ अगर अकाउंट रिसीवेबल की जगह यहाँ लिखा होता हाउ मच कैश वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे लिखा होता अगर हाउ मच कैश वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, फिर आंसर क्या होता? कस्टमर कौन होते हैं? कस्टमर कौन होते हैं? सेल करते हैं ना आप, जिसे अकाउंट हैं रिसीवेबल सेल जिन्हें करते हैं ना। अच्छा, आप कैश सेल करें या क्रेडिट सेल करें वो कस्टमर ही होंगे ना आपके। कैश सेल्स करें या क्रेडिट सेल्स हो, दोनों कस्टमर हैं, कैश सेल्स वाले भी और क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे अगर वो लिखता ना इस तरह हाउ मच कैश वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो उसमें दोनों आ गए, कैश सेल वाले भी और क्रेडिट। तो अब कैश सेल हमने कितनी की है? 280, तो ये कैश कस्टमर से रिसीव हुए, और क्रेडिट कस्टमर से हम कितने रिसीव कर रहे हैं? 1530। तो फिर आंसर होता आपका 1530 प्लस 280, 1810, ये आंसर हो जाता है। माइनस करके तो आया, ये 1530 कैसे आया? माइनस करके आया ना, ये 2400 में से 700 माइनस हुए, 170 माइनस हुए, तो ये बचा ना आपके पास। ठीक है, तो अब इस चीज का आपने ख्याल रखना है वर्डिंग का। एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आपसे ये कह सकते हैं कि हाउ मच कैश वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स पे दोनों आ जाते हैं, कैश सेल्स वाले भी क्रेडिट सेल्स वाले, तो फिर आंसर क्या होता है आपका? 1810 हो जाता। सही, इनका ऑप्शन में दिया हुआ सी आंसर होता। तो वर्डिंग का आपने ख्याल रखना है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, 240 है, अब इसमें भी रिसीवेबल्स का डेटा दिया हुआ है, फाइन क्या करना है हमें? क्रेडिट सेल्स फाइन करनी। राइट, अब हम इसे क्रेडिट सेल्स फाइन करें, ये रिसीवेबल अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर अब यह है 240। जब रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 54,550 डेबिट हो गया। चलो अभी इधर आ दो। क्लोजिंग बैलेंस है 52,560, 52,560 टेबल, सही। इसके बाद ठीक है, देखा रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स इन द पीरियड। अच्छा देखिए, यहाँ वर्डिंग क्या है? रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स इन द पीरियड। अब सिर्फ कस्टमर का वर्ड यूज हो रहा है, तो उसमें क्रेडिट सेल वाले भी आ गए, कैश सेल्स वाले भी आ गए, दोनों हैं। ठीक है, और नीचे भी ये बता भी रहा है, देखिए नीचे क्या लिखा है, ऑफ द रिसिप्ट, ऑफ द रिसिप्ट, तो इसी की बात हो रही है। अब ये 98,000 की बात हो रही है, ये ऊपर क्या थे? रिसिप्ट थी ना, अब उसी की बात कर रहे हैं। ऑफ द रिसिप्ट 16,838 रिप्रेजेंटेड कैश सेल, तो अब इसमें से हाँ ये कैश सेल्स माइनस करेंगे, माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो कंट्रोल अकाउंट में लिखा जाएगा। सही, अच्छा अब रिसिप्ट हमारी कितनी है? 98,640, इसमें से ये कैश सेल्स माइनस करें, 98,460 माइनस 16,838, 81,622, तो ये होंगी कैश रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये आ जाएंगी क्रेडिट साइड पर, डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं कैश। कैश रिसिप्ट क्रेडिट हो गई। अच्छा, इसके बाद इरिकवरेबल रिसीवेबल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड, इसके डबल एंट्री याद है, इरिकवरेबल डेट्स की, बैड डेट्स, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 2000, 2000 आ गए, और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे बैड डेट्स। इसके बाद कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक, सेल्स हमें फाइंड करनी है, क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल में कहाँ आती है? डेबिट पे ना। अब क्रेडिट साइड का टोटल करें, 136182, 136182, यही टोटल डेबिट पे लिखेंगे,
इसमें से 1,36,182 में से ये 4,550 माइनस कर दें, 81,683, ये हो जाएंगी आपकी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स आ गई, आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अच्छा, अब इसमें एक रिक्वायरमेंट और भी हो सकती है। यहां पर रिक्वायरमेंट में लिखा है क्रेडिट सेल्स, इसकी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स। हाँ, तो फिर क्रेडिट सेल्स में ये कैश सेल्स 16,838 ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाए। तो फिलहाल आंसर डी है, क्रेडिट सेल्स फाइंड कर। अभी कर लें क्वेश्चन नंबर 235, जिसमें नंबर्स क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस चेंज है, मैंने अपने हिसाब से इनको अरेंज किया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये तो आसान है। प्रिंट में ओके, अब इसमें रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 32,750। इसके बाद ड्यूरिंग में सेल्स ऑफ 125,000 वर मेड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स है तो रिसीवेबल डेबिट होंगे। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू 122,500 क्रेडिट, एंड देयर वर कॉन्ट्रा विद पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट 550, कॉन्ट्रा क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट, रिफंड्स ऑफ 1300 वर मेड टू कस्टमर, कैश रिफंड। कैश रिफंड की डबल एंट्री बताएं, कैश रिफंड टू कस्टमर की डबल एंट्री। दिखवाए थे, चेक करें, कैश क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है। अब रिफंड एंट्री होगी, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1300 डेबिट हो जाएंगे। फाइन क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस। अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं 159,050, माइनस करें इसमें से क्रेडिट साइड, डिफरेंस कितना आया, 550 माइनस 122,500, 36,000, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 36,000। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है, कॉपी कर लें।